अब आपको भोलेनाथ की नगरी वाराणसी की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर गंगा नदी ने रौद्र रूप अख्तियार किया हुआ है। जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और इसके बाद वाराणसी में गंगा अलग अलग रास्तों से होते हुए शहर में दाखिल हो रही है। गांवों का हाल तो और ज्यादा खराब है। बाढ़ से घिरे गांव के लोग घर बाहर छोड़ने को मजबूर है। बाढ़ से बर्बादी झेल रहे लोगों का गुस्सा भी अब सातवें आसमान पर है। मोदी जी जब कहेंगे या देंगे तब ना हम लोग बोलेंगे। हम लोग को पूरी देख रहे हैं, बांसगढ़ राय है, पूरी खेती नष्ट हो गई। अब कोनो मतलब कोनो सहारा नहीं, हम लोग के लिए 95% खत्म हो गया है। मोक्षदायिनी गंगा की लहरें प्रलयंकारी हो गई हैं। गंगा नदी के किनारे लबालब हैं, गंगा के किनारे बसे शहरों में सैलाब है और ऐसा ही तांडव भोलेनाथ की नगरी वाराणसी में भी नजर आ रहा है। यहां पहले गंगा नदी के किनारे बने घाट डूबे, घाट पर बने मंदिर डूबे, फिर बढ़ती लहरों ने शहर के कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। गंगा नदी के रौद्र रूप ने लोगों को डरा दिया है। सभी के मन में सवाल यही है कि मुसीबत का ये उफान घटेगा कब। मकान डूबे हुए हैं सर, लगभग सभी के बेसमेंट में, यहाँ आश्रम में भी बेसमेंट में नीचे घुस गया है, जलजला हो गया सर, और एक बड़ा सा सुरंग फूट गया है नीचे जमीन में। कुआं हम लोगों का था वो भी डूब गया है सर। घर मकान डूब गया है, बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत तबाही मचा दिया है। लोग छत पे हैं तो छत ही पे हैं, नीचे नहीं आ पा रहे हैं। है पैखाना में खाना बनाने का, हर जगह पानी लीक कर गया, सीवर ऊपर आ गया हर जगह। वाराणसी शहर के हालात दिनों दिन बिगड़ रहे हैं। गांव में तो हाल और भी बुरा है। बाढ़ से बचाव के लिए टीकरी गांव के पास प्रशासन ने अस्थाई बांध बनाया था, मगर उसके बह जाने के बाद रमन बनपुरवा गांव में पानी तेजी से बढ़ने लगा। गांव वाले पलायन करने पर मजबूर हो गए। यहां न तो एनडीआरएफ की टीम पहुंची, न सरकारी मदद। गंगा का जो जलस्तर है वो 72.31 मीटर को पार कर गया है, यानी कि खतरे के निशान से कहीं ऊपर गंगा बह रही है। और नजारा हम आपको दिखा रहे हैं इस गांव का, जहां लोग मजबूर हैं पलायन करने के लिए, क्योंकि जो बाढ़ का पानी है वो इस कदर गांव में भर चुका है कि अब यहां लोगों का रहना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। हम मौजूद हैं इस वक्त रमना बनपुरवा गांव में, जहां टिकरी में 2013 में बना एक अस्थाई बांध टूट जाने के बाद यहां ये हालात पैदा हो गए हैं कि लोगों के आगे अब घर छोड़ के जाने का कोई और विकल्प नहीं है। बाढ़ की मार झेल रहे लोग सरकार से नाराज हैं और इस मुसीबत के बीच उनका गुस्सा फूट रहा है। नाराज है सरकार से, सरकार से उन ऊपर बैठल बान अधिकारी कुर्सी पर। हमनो के देखा के चाहिए ना कि जनता के लगानी खेत लिया था। गांव में लोगों के घर डूब गए हैं। डर इस बात का है कि अगर पानी और बढ़ा तो गांव से निकलना तक संभव नहीं होगा। पूरा घर डूब गया, पूरा डूब गया है। अब सामने आप देख रहे हैं ना, अब उकले आगे का बतावल जाए, पानी कौन मतलब बने भी सब रुकी न रुकी। 2013 में बांध बनाने का भरोसा था जो आज तक पूरा नहीं हुआ। ऐसे में लोगों ने बांध नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद किया। बांध नहीं तो वोट नहीं, बांध नहीं तो वोट नहीं, बांध नहीं तो वोट नहीं। यहाँ पर जब 2013 में बाढ़ आया था तो बहुत ज्यादा पानी, लगभग इससे भी ज्यादा पानी उस टाइम आया था, तो बांध बनाने के लिए सरकार को प्रस्ताव अर्जी दिया गया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्य नहीं हुआ है। जब भी चुनाव आता है तो सभी लोग आते हैं, उसका सर्वे करते हैं कहां से कहां तक है, उसको बस लेकर जाते हैं, मगर अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुआ है। वाराणसी का ये हाल करीब एक हफ्ते से है। लोगों की मदद के लिए पीएम मोदी ने प्रशासन से बात की तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राहत का काम तेज करने के लिए मोर्चा संभाला। एनडीआरएफ की बोट से उन्होंने वाराणसी में बाढ़ से मची तबाही देखी। कोशिश इस बात की है कि बाढ़ की इस मार के बीच लोगों तक मदद पहुंचाई जाए ताकि उनकी मुश्किलें कुछ कम हो सकें। अभिषेक मिश्रा, वाराणसी, आज तक।